वेलकम टू मिडवॉन कैर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग शॉर्ट सेकंड में स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन निकाला हम लोग सीख चुके थे पहले क्लास में। एनालिसिस मतलब उसका डायमेंशन का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं या फिर क्या उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन होता है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना हुआ। सिस्टम ऑफ यूनिट तीन टाइप्स पढ़े थे हम लोग, MKS, CGS और FKS। ठीक है, अब इसमें क्या क्या था देखो, FPS अलग अलग तीन सिस्टम थे, MKS, CGS एंड FPS। तो तीनों सिस्टम में अगर मान लो हमको CGS को SI में कन्वर्ट करना हुआ, या MKS जिसको बोलते हैं MKS को CGS में कन्वर्ट करना हुआ, CGS को MKS में कन्वर्ट करना हुआ, तो उस कन्वर्जन में हम लोग सीखेंगे कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें। तो कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर हमको कन्वर्ट करना हुआ तो वन सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे यूनिट ऑफ सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखते हैं फॉर्मूला Q इक्वल्स टू एन वन यू वन इक्वल्स टू एन टू और यू टू लिखते हैं। ठीक है, एन वन और एन टू न्यूमेरिकल वैल्यू के इसके बारे में भी बताएंगे कि किसको किसमें कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो MLT के फॉर्म में लिखा जाता है सारी चीज़ों को। किसके फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, एम एल और टी के फॉर्म में। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी इसके बारे में देखते हैं। जो हमारा यू वन होगा वो किसके बराबर होगा, MLT के फॉर्म में सबसे पहले लिखते हैं MLT लिख देंगे। ठीक है, यू वन होता है एम वन एल वन और टी वन। सब पे पावर कितनी होगी, सब पे पावर लगा देते हैं ए बी और सी। यू टू कितना हो जाएगा, यू टू को भी लिख देते हैं MLT पहले लिख दो, एम टू एल टू और टी टू पावर हो गया ए बी और सी, तीन पावर इसकी होगी। ठीक है, अब इस अगर इस टर्म को यहाँ पे रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, एन वन यू वन कितना है हमारा, एम वन ए एल वन बी टी वन सी, ये दिया गया ना। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये एन टू यू टू कितना दिया गया, एम टू ए एल टू बी और टी टू सी, ये दिया गया। ठीक है, अगर इन केस अगर हमको फाइंड करना है, N1 दिया गया है, N2 अगर फाइंड करना है, क्या करना है, N1 दिया हुआ, एक सिस्टम ऑफ यूनिट N1 और N2 होता है, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना हुआ, इन केस N1 गिवन और N1 दिया हुआ है, N2 कैलकुलेट करना है, N2 कॉस्ट कितना हो जाएगा, N1 ऊपर क्या रहेगा, इसलिए ऊपर आ जाएगा M1 A L1 B और T1 C अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, M2 A L2 B और T2 C हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इन केस यहाँ पे अगर आप समझ रहे हैं तो N1 को हम लोग बाहर ले लेते हैं और इस तरीके से देखो लिख सकते हैं क्या, देखो M1 ऊपर है, नीचे क्या है M2 है। अब यहाँ पे दोनों की पावर क्या है, A है, इसकी L की पावर B है, T की पावर C है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं N2 इक्वल्स टू N1 यहाँ पे लगा दो, अंदर M1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, M2 लिख सकते हैं। ठीक है, पावर कितनी हो जाएगी A, उसके बाद दूसरा क्या है L1 अपॉन L2, पावर कितनी दी गई है बी, थर्ड वन इज T1 अपॉन T2, पावर इज सी, पावर कितनी दी गई है सी। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आसानी समझ में आ जाएगा कि N2 इक्वल्स टू N1, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और मल्टीप्लाई बाय T1 अपॉन T2 की पावर C को कैसे यूज करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, एक जूल में कितना अर्क होता है, क्वेश्चन आ गया कन्वर्ट या फिर हाउ मैनी अर्ग आर देयर इन वन जूल, एक जूल में कितना अर्ग होता है। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ वन जूल टू अर्ग। अब समझो यहाँ पे जूल कैसी यूनिट है, SI यूनिट है। ठीक है, MKS फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं। अर्ग क्या है इसकी, CGS फॉर्म में, मीन्स SI सिस्टम को किसके सिस्टम में चेंज करना है, CGS सिस्टम में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले जूल और अर्ग क्या दोनों का डायमेंशन सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, दोनों ही एनर्जी का यूनिट है, किसकी यूनिट है, एनर्जी का। साइन यूनिट क्या होता है, जूल, और सीजे से पूछे तो अर्ग होता है। एनर्जी क्या होता है, वर्डन के बराबर, वर्डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, फोर्स का डायमेंशन MLT-2 मल्टीप्लाई बाय L, क्या हो जाएगा ML²T-2 के इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले वर्डन का डायमेंशन तो ये होता है इसका डायमेंशन, डायमेंशन तो सबको लगभग याद ही रहता है। अब एक साइड क्या लिखते हैं, देखो ए की वैल्यू कितनी दी गई फॉर्मूले के हिसाब से, देखो डायमेंशन ए एम के ऊपर क्या होता है, ए वन दिया गया है, बी कितना दिया गया है, देखो टू दिया गया ना, सी कितना दिया गया है माइनस का
टू दिया गया है। चलो यहाँ पे लिखते एस आई यूनिट, यहाँ पे क्या लिखेंगे सी जी एस यूनिट, एस आई यूनिट और सी जी एस यूनिट दोनों लिखेंगे। सबसे पहले एम, उसके बाद एल, उसके बाद टी, और उसके बाद एन वन होता है और इस साइड एन टू रहता है। अब देखो एम वन कितना हो जाएगा, वन के जी मतलब कितना होगा 1000 ग्राम, ऐसा सिस्टम की बात कर रहे हैं तो के जी में होगा ना, ठीक है। डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस किसमें होती है मीटर में, और एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है जल्दी बताओ, 100 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। उसके बाद आएगा टाइम, टाइम किसमें होता है सेकंड में, 1 सेकंड, ठीक है 1 सेकंड हमने लिख दिया इसको। एन वन और एन टू यहाँ पे क्या रहेगा, एन वन रहेगा, एन वन कितना दिया गया, कहा गया 1 जूल में कितना अर्घ होता है, एन वन हमको पता है ना, एन वन हमारा 1 दिया गया, 1 जूल के इक्वल दिया गया, ठीक है। सीजीएस फॉर्म की बात करते हैं तो सीजीएस फॉर्म में मास एम टू कितना हो जाएगा, छोटी यूनिट होती है 1 ग्राम, 1000 ग्राम में छोटी यूनिट क्या होगी 1 ग्राम। एल टू कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, टी टू कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, और एन टू क्या करना हमको कैलकुलेट ही करना है, ये क्वेश्चन में कहा गया है एन टू कैलकुलेट करना है। चलो अब आगे समझ में इस तरीके से इसको लिखेंगे हम लोग। अब लिखने के बाद उठा करके फॉर्मूले में रख देते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला एक बार देख लो, एन टू इक्वल्स टू एन वन एम वन अपॉन एल वन की पावर ए, एम टू अपॉन एल टू की पावर बी, एम वन अपॉन एम टू एल वन अपॉन एल टू एंड टी वन अपॉन टी टू की पावर सी, ये हमारा फॉर्मूला बन गया था अभी, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले उठा करके सारी चीजें हम लोग रखेंगे। चलो यहाँ पे रखते हैं, ऊपर देखो ए बी सी डी आप लोगों को याद है ना क्या है टर्न टर्म था, ठीक है। चलो यहाँ पे रख देते हैं पावर, एक पावर याद रखो एम, क्या फॉर्म निकल गया था एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, जहाँ पे ए वन की इक्वल था, बी टू की इक्वल था, सी हमारा माइनस टू की इक्वल था। इस फॉर्मूले में रखते हैं एन टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन वन हो जाएगा 1, एम वन अपॉन एम टू मीन्स 1000 अपॉन 1, पावर कितनी हो जाएगी ए की पावर 1 है, एल वन अपॉन एल टू, एल वन कितना दिया गया इसका 100 आ गया था, अपॉन 1 दिया गया, देखो पावर कितनी है बी की, यहाँ देख लो स्क्वायर है, ठीक है। देन टी वन अपॉन टी टू दोनों का 1 था, पावर कितनी है माइनस का 2। अच्छा इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, अच्छा ये पावर को माइनस 2 लगा 1 अपॉन 1 पे तो कोई मतलब नहीं हुआ इसका, इसका क्या हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10000 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना 0 हो गया, देखो 4 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे, कितना हो गया 10 की पावर 7, तो 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्घ, आंसर आ गया। देखो कितना आसान था कि 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्घ के इक्वल होता है, ठीक है, या फिर इतना अर्घ होता है, आसान था। चलो एक उम्र तुम लोग कर लेना, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, डाइन क्या होता है सीजीएस फॉर्म होता है, न्यूटन क्या होता है एसआई यूनिट फॉर्म होता है, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेना, मुझे बताना क्या आंसर होगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें क्वेश्चन लिख लेते पहले, एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया, एनसीईआरटी में को लेकर चलना है साथ में, न्यूटन से डाइन वाला आप लोग कर लेना। फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट इन अ सिस्टम, इन अ सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर 1 मिनट एज अ बेस यूनिट, एज अ बेस यूनिट। अगर ये बेस यूनिट की तरह रहेगा तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा इसके बारे में समझते हैं। देखो अब देखो इसमें अलग से ही बेस यूनिट बना दिया गया, 100 ग्राम होगा, अगर मास की बात करते हैं, लेंथ की बात करें 100 सेंटीमीटर होगा, और टाइम की बात करेंगे तो बेस फॉर्म होगा, बेस फॉर्म कितना होगा 1 होगा। चलो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, 60 जूल पर मिनट कैलकुलेट करना है, 60 जूल पर मिनट, जूल पर मिनट मतलब पावर क्या होता है, वर्डन अपॉन टाइम, पावर तो पूछा गया, जूल पर मिनट का मतलब क्या हुआ, पावर पूछा गया तुमसे, ठीक है, वर्डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। वर्डन कितना दिया गया है 60 जूल पर मिनट दिया हुआ है, मतलब कितना हुआ 60 बाई 60, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा जूल पर
सेकंड ये कट कितना हो जाएगा, वन के इक्वल हो जाएगा, तो वन वॉट हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा ये वन वॉट क्यों निकाला गया है, जिससे तुम आसानी से जो हमारा एन वन दिया गया उसको वन रख सको, ठीक है। यहाँ पर रखो SI फॉर्म, यहाँ पे नया सिस्टम अपने हिसाब से बनाया गया है, न्यू सिस्टम, उस सिस्टम के बेसिस पे हम लोग रखेंगे। SI में तो जान रहे हम लोग M1 कितना हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, 1000 हो जाएगा, 1000 ग्राम। L1 कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर इक्वल होगा, ठीक है। N1 कितना हो जाएगा, 1 निकाल लिए। टाइम T1 कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, नया सिस्टम क्या है, नया सिस्टम के बेसिस पे 100 ग्राम होगा। M2 कितना होगा, 100 ग्राम होगा। L2 कितना होगा, वो भी 100 ग्राम होगा, 100 सेंटीमीटर होगा, 100 में भी है। नेक्स्ट टाइम T2 कितना होगा, टाइम T2 कितना दिया गया, देखो वहाँ पे 1 मिनट, मतलब कितना हुआ, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। और N2 क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि N2 इसके लिए कितना होगा। चलो अब कैलकुलेट करते हैं, आगे क्वेश्चन समझ में, यहाँ नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो बाद में देखने के लिए। चलो अब लिखते हैं आगे क्या होगा, ये सारे नीचे लिखे रहने देते हैं, काम लेकर भी हम लोग को नोट करना है ना वापस इसी चीज को। चलो ABC हम लोग देख लेना क्या होगा। अच्छा पावर के लिए क्या होता है, निकाल लेते फिर से। पावर क्या होता है, वर्डन अपॉन टाइम। वर्डन क्या है था अभी हमारा, ML² T - 2 अपॉन टी हो जाएगा। तो टी यहाँ पे हो गया, टी ऊपर चला गया, पावर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ML² T - 3 हो जाएगा। मींस ए इक्वल्स कितना हो गया, 1, बी इक्वल्स हो गया 2 और सी हो गया -3। चलो यहाँ पे रखते हैं फॉर्मूले में, फॉर्मूला याद हो गया होगा सबको, तो डायरेक्टली रखें N2 = N1, N1 हमारा 1 है तो इसको 1 रख देते हैं। M1 / M2 होता है, मींस कितना हो जाएगा, 1000 / 100 के इक्वल है। पावर कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 है, 1 पावर हो जाएगा। L की बात करें कितना दिया गया, 1000, इसका भी दिया गया 100। पावर कितनी दी गई है, स्क्वायर का हो जाएगा। और ये कितना दिया गया, 1, ये कितना दिया गया, 60 दिया गया, इसका देखो 60 सेकंड दिया गया है। पावर कितनी है हमारी, -3। अब इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना जल्दी से, ठीक है। कितना होगा आंसर, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये, यहाँ से इसको काट देना, ये कट जाएगा 10 बचेगा यहाँ से, ये भी ये कट जाएगा, कट जाएगा। पावर 2 का कोई मतलब ही नहीं, 1 का स्क्वायर कर दोगे तो 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट ये इसको सॉल्व कर लेना, 60 दिया गया है, -3 लगा, इसको सॉल्व करना और फिर बताना मुझे N2 की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। आसान था क्वेश्चन, बिल्कुल आसान था, बस यहाँ पे नया सिस्टम बनाया गया था, नया सिस्टम के बेसिस पर सब कुछ रखना था, बाकी वही पुराना ही रूल अप्लाई हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, डायमेंशन एनालिसिस का पहला हो गया, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें, मीन्स SI को CGS में या फिर CGS को SI में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, दूसरा एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन बना दो या फॉर्मूला लिख दो, वो देखना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। आसान सा एक लिख दो, डिस्टेंस का फॉर्मूला, S = UT + ½AT². इसका कहने का मतलब है जहां पे यूनिट है, जैसे S हो गया, UT हो गया और ½AT² हो गया, इन तीनों का डायमेंशन एक दूसरे से सिमिलर होगा, एक दूसरे से सेम होगा, ठीक है। अगर लेंथ है तो लेंथ होगा, मास है मास होगा, जो भी आएगा डायमेंशन वो तीनों का इक्वल होगा। S क्या होता है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का क्या होता है, L, ठीक है। UT की बात करते हैं, U का क्या होता है, LT - 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय T, T से T कैंसिल आउट, इसका भी L आ गया। ½AT² की बात करते हैं, देखो हाफ से तो मतलब है नहीं हमसे, क्योंकि हाफ मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड का कभी डायमेंशन नहीं निकलता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, LT - 2, टाइम T² मल्टीप्लाई करो, T से T कैंसिल आउट, क्या बचेगा, L। मींस दिस इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से डायमेंशनली किसी भी इक्वेशन को करेक्ट और इनकरेक्ट बता सकते हैं। अभी मान लो हम लोग को, अभी हम लोग 11th में स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो समझ लो हम लोग को आगे 12th में क्या फॉर्मूले हैं, 11th में आगे चैप्टर्स क्या फॉर्मूले हैं, कोई तुमको दे दिया, बताओ ये फॉर्मूला सही है या फिर गलत है, कैसे करोगे। तो डायमेंशनली हम चेक कर लेंगे कि फॉर्मूला गलत है सही कैसे, कि एक टर्म का डायमेंशन दूसरे वाले टर्म के इक्वल होगा। कैसे, इसको हमने अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, प्लस माइनस रहेगा, ये इक्वल टू रहेगा, एक दूसरे को अलग अलग कर ले, कोई इक्वल टू था अलग कर दिए, प्लस था, दोनों को अलग करके हमने डायमेंशन निकाला इसका, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक और चेक करते हैं, एक और फॉर्मूला चेक करते हैं डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी, चलो चेक करते हैं। हाफ एमवी स्क्वायर
इक्वल्स टू mgh स्क्वायर, दोनों का बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों एनर्जी का ही यूनिट है। चलो हाफ एम वी स्क्वायर, इसका डायमेंशन निकालो कितना होगा, एम वी स्क्वायर मास को हो गया एल, वेलोसिटी हो गया एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन का स्क्वायर कुल कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के इक्वल होगा, ठीक है। एम जी एच की बात करते हैं, एम जी एच क्या हो जाएगा, एम जी क्या होता है एल टी माइनस टू और मल्टीप्लाई बाई हाइट, मीन्स एल से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, इसलिए जो एनर्जी होती है ये भी एक तरीके से एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है और ये हमारी क्या है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। आगे समझ में, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, कोई क्वेश्चन बताओ जल्दी से, कौन सी क्वेश्चन ले, चलो टॉर्क लेते हैं। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इन डिस्टेंस हो जाएगा तो कर लोगे डायरेक्टली एम एल स्क्वायर टी माइनस टू कर देंगे, वो निकल आएगा, फोर्स का यूनिट होता है। अच्छा अगर किसी भी चीज का और डायमेंशनली करेंट पूछा जाए है कि नहीं तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी लेते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, डी ब्रॉगली क्वेश्चन है। लैम्डा क्या होता है, एक तरीके से लेंथ है एल होगा, एच अपॉन एम वी कितना आना चाहिए, एच अपॉन एम वी एल के इक्वल होना चाहिए। अब कैसे होगा देखो, एच अपॉन एम वी कहा गया है, सबसे पहले प्लैंक कॉन्स्टेंट बात करते हैं, प्लैंक कॉन्स्टेंट की यूनिट कितनी होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, क्या होता है इसका एम एल स्क्वायर टी माइनस वन अपॉन एम, मास हो जाएगा एम और वेलोसिटी एल टी माइनस वन, एम से एम कैंसिल आउट, एल टी माइनस वन से टी माइनस वन, एल से एल कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा सिर्फ एक एल बच गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ये भी उठता है कि हमको एच का डायमेंशन कैसे पता चला, हमको तो मान लो याद एम एल स्क्वायर टी माइनस वन हो जाएगा, आप लोग कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालेंगे, एल इक्वल्स लैम्डा इक्वल्स क्या होता है एच अपॉन एम वी, तो एच इक्वल्स क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एम इंटू वी, लैम्डा हो गया लेंथ एल, ये हो गया मास एम, एल टी माइनस वन, तो एम यहाँ पे लिख देना एल स्क्वायर टी माइनस वन, यहाँ से हो गया एच की यूनिट डायमेंशन कितना हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एच को बोलते हैं हम लोग प्लैंक कॉन्स्टेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और न्यूमेरिकल का लेवल बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा हार्ड पे आ जाते हैं, हार्ड नहीं बोलेंगे आसान ही है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर समझो सब कुछ हार्ड है। लेते कौन सी क्वेश्चन, पी इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी स्क्वायर, पी इक्वल्स टू बी माइनस एक्स टी स्क्वायर अपॉन ए, ले ले इक्वेशन, ठीक है पी को नीचे कर दो नहीं तो इक्वेशन वेरीफाई नहीं हो पाएगी, इक्वेशन भी सही होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी के इक्वल है, जहाँ पे हमको किसका डायमेंशन फाइंड करना है a इंटू बी का, a पहले फाइंड करो फिर b फाइंड करो फिर बताना हमको a इंटू बी कितना होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, a मल्टीप्लाइड बाई b कितना होगा, सबसे पहले a का डायमेंशन निकालना है फिर b का डायमेंशन निकालना है, p यहाँ पे हमारा पावर दिया गया है, ठीक है, t इज द टाइम टेकन एंड x इज द डिस्टेंस, p क्या दिया गया है ये हमारा पावर है, दिस इज पावर, दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्टेंस, तो कैलकुलेट क्या करना है हमको, मान लो अगर पहले ही बात करते हैं हमने कहा था प्लस से माइनस लगेगा तो उसको हम इक्वल्स टू दिखा सकते हैं या उसका डायमेंशन दूसरे वाले के इक्वल होगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ मींस हम लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स क्या है डिस्टेंस, तो बी का डायमेंशन कितना आ गया एल स्क्वायर हो गया। अब ए का डायमेंशन निकालना है, ए का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ए का डायमेंशन निकालना और आसान है, कैसे निकालेंगे देखो एक उधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा पी ए टी इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको हम लोग एक ही इक्वल करते हैं एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा ये चीज, ठीक है, तो ए इक्वल कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन पी टी हो जाएगा, जल्दी बोलो एक्स स्क्वायर अपॉन पी इंटू टी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या है डिस्टेंस मीन्स एल स्क्वायर हो जाएगा, पावर का क्या होता है पावर का वर्णन अपॉन टाइम टेकन, वर्णन क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन क्या हो जाएगा टाइम से डिवाइड कर दो तो पावर क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री मल्टीप्लाई फिर से इसको टाइम से मल्टीप्लाई करना है टी टी से मल्टीप्लाई कर दो पी इंटू टी है ठीक है टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे एल स्क्वायर कैंसिल आउट टी से इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस थ्री था क्या हो जाएगा माइनस का टू हो जाएगा। अब देखो क्या बचा उसको ऊपर लिख दो ए कोस्ट कितना आ जाएगा एम माइनस वन हो जाएगा ये टी माइनस टू क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर और कुछ बच रहा है m माइनस वन टी का स्क्वायर बच रहा है ठीक है। अब कहा गया a इंटू बी कितना आएगा पूछा गया था a इंटू बी कितना आएगा a इंटू बी करो a कितना दिया गया है हमारा a कितना आया निकल के m माइनस वन टी स्क्वायर
और b कितना आया है l स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा m माइनस वन एल स्क्वायर टी का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आसानी से निकल गया, a हमने निकाला पहले फिर b निकाला, a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट एक और बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वन डर वॉल इक्वेशन। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे वन डर वॉल इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले लिखते हैं वन डर वॉल इक्वेशन, वहां पे कांस्टेंट टर्म होता है a और b, उसका डायमेंशन निकालना सीखेंगे। वन डर वॉल इक्वेशन p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ये होता है हमारे प्रेशर सिस्टम रिलेटेड। अच्छा तुम लोग को इक्वेशन पता है ना, आइडली गैस इक्वेशन pv इक्वल्स टू nRT, तो उसी से बनाया गया है v माइनस b इक्वल्स टू rT। हाँ ठीक है, p प्लस a अपॉन v स्क्वायर फिर ब्रैकेट में v माइनस b इक्वल्स टू rT। यहाँ पे a और b का डायमेंशन फाइंड करना है, दोनों कॉन्स्टेंट टर्म होते हैं a एंड b, तो हमको इसका डायमेंशन फाइंड करना है। तो डायमेंशन कैसे फाइंड करें, सबसे पहले देखो क्या रिलेट करना है, p प्लस लगा बीच में, हम लिख सकते हैं p इक्वल्स टू a अपॉन b स्क्वायर लिख सकते हैं, a इक्वल्स कितना हो जाएगा pv स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा p क्या होता है, p प्रेशर होता है, ठीक है, और प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या होता है mLt माइनस टू, एरिया क्या होता है l स्क्वायर, l से l कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा ml माइनस वन t माइनस टू, ये हो गया हमारा प्रेशर ml माइनस वन t माइनस टू। ठीक है, लिख दे यहाँ पे एम एल माइनस वन टी माइनस टू। वी क्या होता है हमारा, वी फॉर वॉल्यूम या फिर वेलोसिटी, वंडर वॉल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, वी हमारा वॉल्यूम होगा या फिर वेलोसिटी होगा, जल्दी से बताओ, वी वॉल्यूम होगा, क्या होगा वी हमारा वॉल्यूम होगा, पी अपॉन वी स्क्वायर लिखे हम लोग, फिर अभी आगे भी हमारा वी है, तो यहाँ पे वी क्या लिखा गया है, वी हमारा वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम हुआ तो फॉर्मूला क्या होगा एल क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो एल क्यूब का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ऐसे लिख दो, ये कितना हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स, अच्छा थ्री थ्री जा नाइन होगा या थ्री टू जा सिक्स होगा, एल की पावर थ्री का स्क्वायर है तो सिक्स हो जाएगा ये। अगर ये सिक्स हो गया तो यहाँ पे देखो एल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, एम एल की पावर फाइव टी माइनस टू, सही है, देख लो जल्दी से चेक कर लो, एम एल की पावर फाइव टी माइनस टू, ये हो जाएगा हमारा ए का डायमेंशन। ठीक है, बी का डायमेंशन क्या होगा, देखो वी माइनस बी है तो वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी कर दे, क्या इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आर टी के, वी माइनस बी लिखा गया तो वी इक्वल्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, और वी क्या था वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब, तो बी कितना आ गया एल क्यूब के इक्वल होगा, आसान था। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बी को भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो दोनों की आगे डायमेंशन क्या क्या होगा ए और बी, ये होता हमारा वन डर वॉल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिड्यूसिंग रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज, डिड्यूसिंग रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच अगर रिलेशन फाइंड करना रहेगा तो कैसे फाइंड करेंगे, और भी डायमेंशन से बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। मीन्स अगर मान लो ने फिजिकल क्वांटिटीज दे दी कि ए बी सी पे डिपेंड करता है, एक टर्म ए है वो बी और सी पे डिपेंड करता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक रिलेशन होगा उनका, उस रिलेशन को बनाना हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन लेते हैं, एफ इज डायरेक्टिव, एक इक्वेशन दी गई जहाँ से पता चल रहा है कि फोर्स डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल एम पावर ए वी की पावर बी और आर की पावर सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले डायमेंशन अच्छे से सीख लो, हर एक चीज का, हर एक इक्वेशन का, हर एक टर्म का डायमेंशन निकालना आना चाहिए। अगर डायमेंशन निकालना है तो सबसे पहले फॉर्मूला याद करो, तो सबसे पहले फॉर्मूला सभी टर्म्स का याद कर लो, आसानी से हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तुरंत बोलो एम एल टी माइनस टू होगा। ठीक है, लिखा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा यहाँ पे, एक कौन से टर्म आएगा, कौन से टर्म क्या आएगा के, ठीक है लिख दो इक्वल्स टू के, आपका लिखा गया एम की पावर ए वी की पावर बी आर की पावर सी, एम क्या है मास है, बी क्या है वेलोसिटी है, और L क्या है डिस्टेंस, R क्या है डिस्टेंस है, L एम एल टी माइनस टू लिखना है, K इक्वल्स टू है इक्वल्स टू K, M हो गया यहाँ पे, वेलोसिटी क्या होता है पावर A लिख दो उसकी, ठीक है पावर A है ना, वेलोसिटी एल टी माइनस वन पावर B और L पावर C,
अब इसको एम एल टी के पावर में लिखा गया, देखो एम एल टी माइनस टू के बारे में इसमें लिखा गया एम एल टी माइनस वन, ए और बी और सी हमको अलग से फाइंड करना पड़ेगा कि कितना होगा, इस पर कितना पावर है, वन की पावर, इसमें भी वन की पावर है, इसको हम लोग इससे रिलेट करेंगे, ठीक है, इस टर्म को इस टर्म से रिलेट करेंगे तो और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो कैसे रिलेट करेंगे, इसको भी एम एल टी के फॉर्म में लिखो, एम एल टी माइनस टू हो गया, m की पावर कितना है a, a लिखा गया, ठीक है, ये पावर 1 है तो मींस a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यहाँ फिर आता है l, l आया, ठीक है, यहाँ पे भी l लिख दो, l की पावर b भी, l की पावर c भी, तो हम क्या लिखेंगे b प्लस c, उसके बाद आता है t, t की पावर कितनी है माइनस का b है ना, ठीक है माइनस का b है, t भी हो गया माइनस b। अब इसको इसके साथ रिलेट करो, मींस a इक्वल्स कितना हो गया 1, l पे पावर कितनी 1, तो b प्लस c कितना हो जाएगा 1, t की पावर माइनस 2 माइनस b, तो माइनस b इक्वल्स कितना हो जाएगा माइनस का 2, ए आगे हमारा b इक्वल्स टू, हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल आउट, b इक्वल्स टू 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 प्लस c इक्वल्स टू 1, तो c इक्वल्स टू 1 माइनस 2, तो c इक्वल्स क्या हो गया माइनस का 1। देखो a आ गया 1, b आ गया 2 और c कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। अब चलो इसी फॉर्मूले में रिलेट करेंगे, f इक्वल्स क्या था फॉर्मूला, रिलेशन दिया गया था f इक्वल्स टू k, k लिखा हुआ था, ठीक है, m पावर थी a, a कितना आया 1, b की पावर कितनी थी b की पावर 3, ठीक है, m v स्क्वायर हो गया क्योंकि b की पावर 2 थी, ठीक है, r की पावर कितनी दी गई है माइनस 1 आया, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं f इक्वल्स टू k m v स्क्वायर अपॉन r, k इक्वल्स टू 1 फॉर डायमेंशनल कांस्टेंट, f इक्वल्स टू m v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, m v स्क्वायर अपॉन r क्या होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो देखो कितना आसानी से हमने सेंट्रीपेटल फोर्स का डायमेंशन निकाला, सेंट्रीपेटल फोर्स निकाल लिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, कितनी आसानी से निकल गया, सिंपल क्या करना था मास वेलोसिटी और लेंथ को रिलेट करना था इन द टर्म ऑफ फोर्स, आसानी से निकल गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई देखो एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, कर देते हैं ये सेम ही क्वेश्चन और करेंगे, से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या रिलेशन दिया गया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लो इसको, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू द स्ट्रिंग ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, वहां पे पीरियड टाइम ऑफ टाइम पीरियड जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मास लेंथ एंड एक्सेलरेशन, मतलब जी पे, मींस मास पे लेंथ पे और जी पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या लिख सकते हैं टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, किस पे डिपेंड कर रहा है मास पावर ए लेंथ बी और जी सी पे डिपेंड हो रहा है। अब सिंपल इनके बीच का रिलेशन फाइंड करना है, एक रिलेशन क्या होगा ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ क्या हो जाएगा टी इक्वल्स टू के एम की पावर ए एल पे बी और जी की पावर सी हो जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड लिखते हैं तो एम एल के फॉर्म में लिखते हैं, एम की पावर जीरो क्योंकि एम होता नहीं है, एल की पावर जीरो, टी की पावर वन क्योंकि हमको रिलेट करना ना इसलिए ऐसे लिखा हमने, इक्वल्स टू के, के लिख देते हैं यहाँ पे, मास हो गया एम, पावर कितनी दी गई है ए, एल दिया गया है, एल लेंथ था, ठीक है, पावर बी, और उसके बाद क्या है जी, जी क्या होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, एल टी माइनस टू पावर कितनी हो गई ऊपर की सी हो गई। चलो आपस में रिलेट करो, सबसे पहले क्या लिखना है एम पावर जीरो एल जीरो टी की पावर वन इक्वल्स टू के एम ए एल, एल क्या है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एल बी वी सी भी, तो लिखेंगे हम लोग एल बी प्लस सी, बी प्लस सी हो गया, टी कितना है टी की पावर माइनस टू सी है, माइनस टू लगा हुआ है और सी उसको पावर लगी तो माइनस टू सी हो गया वो, ठीक है। अब देखो ए कितना हो गया, ए इक्वल्स टू जीरो हो गया, यहाँ से कर लो जीरो ना, बी प्लस सी कितना हो गया यहाँ से रिलेट कर दो जीरो, और यहाँ पे देखो टी इक्वल्स टू वन था, वन है यहाँ पे माइनस टू सी, मीन्स माइनस टू सी इक्वल्स क्या लिखेंगे वन, तो सी इक्वल्स कितना जाएगा माइनस का वन बाई टू हो जाएगा, सी इक्वल्स कितना जाएगा माइनस का वन बाई टू, ठीक है। अब ये हो गया तो बी कितना होगा, चलो बी देखते हैं, बी माइनस वन अपॉन टू इक्वल्स टू जीरो ये हो जाएगा, तो बी इक्वल्स कितना हो जाएगा प्लस का वन बाई टू, बी कितना आ गया प्लस का वन बाई टू के इक्वल होगा, सी हो गया हमारा माइनस वन बाई टू और ए कितना हो गया जीरो के बराबर। चलो आपस में रिलेशन देखते हैं, अब रिलेशन क्या आएगा, फॉर्मूला क्या आया था हमारा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एल जी, टी इक्वल्स टू लिख दो ऐसे लिख दो के, एम कितना था
जीरो, एम पे लगा दो जीरो, एम तो रहेगा ही नहीं रहेगा। एल कितना है पावर, एल पे पावर बी है, बी कितना आया था देखो 1/2 आया था। जी आ गया, पावर कितनी है सी, सी कितना है माइनस का 1/2। अच्छा देखो 1/2 है और पावर लगा हुआ है एक में लगा हुआ माइनस का 1/2, तो 1/2 लगा हुआ है एक में लगा हुआ माइनस का 1/2 लगा हुआ, तो इसको मैसे लिख सकते हैं अंडर रूट मतलब लगेगा, तो लिख सकते हैं टी इक्वल्स टू के अंडर रूट एल लगा हुआ ऊपर और उसमें माइनस लगा इसलिए नीचे चला जाएगा अंडर रूट एल अपॉन जी। ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर अ पेंडुलम, पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड कितना होता है टी इक्वल्स टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। ये कैसे आया इक्वेशन पता चल गया ना, इसको आपस में रिलेट किया ए बी और सी टर्म को इन द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम पीरियड।